वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम के एक ऐसे बीच में ले चल रही हूँ जिसका रास्ता अचानक से खुल जाता है और बीच से लेके आइलैंड तक आप पैदल चल के जा सकते हैं, ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं ना, वैसे ही। लेकिन ये अभी इस वक्त जब हम आए हैं तो आधा ही खुला है, बाकी पानी बढ़ने का टाइम शुरू हो रहा है। ये कार्नविश शहर से जुड़ा हुआ है ये बीच, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बीच है। ये दिन में दो बार यहाँ ज्वार भाटा आता है, अचानक से पानी कम हो जाता है तो आप पैदल चल के आइलैंड में जा सकते हैं। आइलैंड में एक कैसल है और गार्डन है देखने लायक, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बीच है। बीच बीच में पत्थरों का चट्टाने बनी हुई हैं जिस पे खड़े होके आप सारे नज़ारे देख सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे समुंदर का पानी बढ़ रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आधे रास्ते तक ही जा पाए, बहुत ही खूबसूरत सा बीच है ये, और ये कॉर्नवॉल का एक सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट माना जाता है। 1650 में यहाँ पर इस कैसल बनाया गया था इस आइलैंड में। तो अभी ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो देखिए, जब मैं शुरू में आई थी तो पूरा रास्ता क्लियर था, अभी ये आधे से ज़्यादा रास्ते में आ गया है। और इसका जो हाई टाइड है आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं दिखाऊंगी आपको। और इसके दूसरे साइड भी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जिनमें खड़े होकर हम पूरे आइलैंड का नज़ारा देख सकते हैं, और इन्हीं चट्टानों के बीच से बोट भी चलती हैं और आप आइलैंड तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैदल जाना है तो आपको टाइमिंग देखते हुए इस पर चलना पड़ता है। देखिए, धीरे धीरे ये बीच एकदम खाली था और अब हाई टाइड यानी ज्वार भाटा का टाइम बढ़ रहा है तो पानी भी बढ़ते जा रहा है। ये चट्टाने हैं, इन पर खड़े होकर हम देख सकते हैं इस अमेजिंग सीन को, कैसे कैसे बढ़ रहा है पानी। और ये देखिए, बोट भी चल रही हैं, जो लोग पैदल नहीं जा पाए वो बोट से जा सकते हैं इस आइलैंड तक। ये बहर के ये चट्टाने भी इस तरह से पूरी पानी से भर जाएंगी, समुंदर के पानी से। ये ऐसा भी एक टाइम आता है, अभी ये चट्टाने खाली हैं जहाँ हम खड़े हैं, एक टाइम पे ये इस तरह से फिलअप हो जाएंगे, फुल जाएंगे, भर जाएंगे। देखिए, पूरा रास्ता पानी से भर गया है, स्टार्टिंग में ये रास्ता खुला हुआ था। तो ये बहुत रोमांचक है सीन। कॉर्नवॉल में आप आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का ये सबसे बेस्ट एरिया है, खूबसूरत एरिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस नज़ारे को। पानी बढ़ रहा है, हम लोग सामने जो चट्टान बनी है उस पर खड़े होकर देख रहे हैं इस बढ़ते हुए पानी को। रास्ता धीरे 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 पूरा भर जा रहा है। तो ये ज्वार भाटा देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। कितना खूबसूरत समुंदर है, और यहाँ की रेत वाला बीच होने से लोग बहुत इंजॉय करते हैं। किनारे सैंड है, ये देखिए, ये चट्टाने भी अब धीरे धीरे भरने लगी हैं। पानी भर रहा है तो लोग अब बीच से वापस जाने लग गए हैं। बहुत तेजी से पानी बढ़ते जा रहा है। अब हम दूसरी तरफ आए हैं। सेंट आइव इस शहर का नाम है, एक छोटा सा टाउन है जो अपने समुद्र तटों और अपनी खूबसूरत घरों के नाम से फेमस है। और समुंदर के किनारे ये ब्रिटिश कलाकारों की आधुनिक प्रदर्शनियां हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ की दुकानें हैं, और बहुत ही सुंदर सा शहर है
देखने लायक है। ये सिडनी बहुत ही यूरोप के जो शहर होते हैं टाउन और ग्रीस के टाउन की याद दिलाता है। हर घर एक खूबसूरत कलाकृति से सजा हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा है। समुंदर देखिए कितना खूबसूरत समुंदर है, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है यहाँ का। बड़ी खूबसूरत दुकानें हैं सजी हुई हैं, ये देखिए कितना सुंदर है। यहाँ के लोग फिशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर कॉड फिश बहुत फेमस है और टूरिस्ट को रिझाने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ सजा रखा है चारों तरफ, तो दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और ये समुंदर की ट्रांसपेरेंसी देखिए, यहाँ का पानी कितना अच्छा है। बड़ी ही खूबसूरत चीज़ों से, फूलों से ये अपने घरों को सजाए रखते हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिस्टिक तरीके से इन्होंने अपने घर को सजा रखा है। कलरफुल, हर कुछ बहुत ही सुंदर कलर से। कभी कभी यहाँ पर इटली की याद आ जाती है, कभी सेनिटोरनी टाइप दिखाई देता है। पूरे यूरोप और इंग्लैंड की झलक झांकियाँ आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये कॉर्नवॉल एरिया में है, इस शहर का है, कॉर्नवॉल में आता है। देखिए कितने सुंदर यहाँ की झांकियाँ हैं, सजावट है। ये यहाँ की स्ट्रीट है, यहाँ का फेमस फूड फिश एंड चिप्स है और यहाँ कॉर्निश पेस्ट्री भी बहुत फेमस है। यहाँ की दुकानें और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। फूल, यहाँ के लोग ब्रेड और पेस्ट्री इस टाइप की चीज़ें बहुत खाते हैं, बेकरी आइटम। सुंदर फूलों से सजा चर्च भी यहाँ के बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल ये सिटी वॉक है फ्रेंड्स, हम पूरे टाउन का पैदल चलकर आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत घर हैं, सड़कें, गलियां, वेदर सब कुछ बहुत अच्छा है। ये हिली एरिया है तो ये थोड़ा ऊंचाई और निचाई पार करते हुए हम समुंदर के नज़ारे देख रहे हैं। अलग अलग बीच हैं अलग अलग साइड में, यहाँ पार्क भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर एक ट्रेन भी चलती है जो किनारे किनारे इस खूबसूरत शहर और बीच की आपको सैर कराती है। यहाँ ये काफ़ी ऊंचाई पर एक गार्डन है, यहाँ पर बीचेस और शहर का नज़ारा दिखाई देता है। इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। समुंदर का पानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की सैंड और रेत एकदम गोल्डन कलर की है, तो लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। घर, यहाँ के घर कितने खूबसूरत हैं, बेहतरीन डिज़ाइन से बने हुए। ये देखिए ये बीच, साफ सुथरी सैंड और बड़ी बड़ी लहरों से खेलते हुए बच्चे। कॉर्नवॉल का ये बेस्ट और ब्यूटीफुल स्पॉट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा ब्लॉग आपको